सरकार के लिए वही पानी है, फिर उसे वो गंदा क्यों साबित करती है कि ये सफाई होगा, ये भाजपा ही होगा, ये बसपा ही होगा, उन्हें न्याय क्यों नहीं देती? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। सर, हम लोग तो किसी भी सरकार के, जो भी सरकार सत्ता में रहती है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, हम उसके कर्मचारी होते हैं सर। हम किसी पार्टी के कर्मचारी नहीं होते हैं, ना हम भाजपा के कर्मचारी हैं, ना हम समाजवादी पार्टी के कर्मचारी हैं, ना हम कांग्रेस पार्टी या ना बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम तो जिसकी सत्ता रहेगी उसके आदेश का, उसके निर्देश का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश का निदेशक या उत्तर प्रदेश का कोई भी कर्मचारी हमेशा तैयार रहेगा सर। हमको पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है। हाँ, जो हमारी हित की बात करेगा, जो हमारे लिए दो कदम चलेगा, जो अनुदेशकों की समस्या का समाधान करने की बात करेगा, जो अनुदेशक हित की बात करेगा, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों। क्योंकि जो हमारी बात करेगा, जो हमारे लिए चलने को तैयार होगा, और यदि हम उसके साथ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे सर। और आज आपने देखा महाराजगंज का प्रकरण है सर, कल मेरा महाराजगंज जाने का कार्यक्रम है इसी मुद्दे को लेकर, और मैं वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मिलूंगा और सीडीए महोदय से भी मिलूंगा और पूछूंगा दोनों लोगों से। मैंने परसों, कल मैंने कई बार वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं कल पूछूंगा पहुंच के कि महोदय, क्या आपने अनुदेशकों के शासनादेश को पढ़ा है? और यदि आपने पढ़ा होता तो आप इस प्रकार का फरमान नहीं जारी करते सर। जबकि 2019 में एक आदेश आया था, यही विजय किरण आनंद जी जो महानिदेशक थे, उन्हीं का आदेश है कि यदि 31 मई तक अनुदेशकों का नवीनीकरण नहीं होता है तो उनका नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। अब आप बताइए कि आज 28 जून है, 16 जून से विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, पहले 1 जुलाई से भी हमारा ये जो संविदा की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होता था, लेकिन इस बार आनंद फानंद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 जुलाई से आदेश को लागू कर दिया है। क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने कहा था यदि हम लोगों को पैसा नहीं दोगे तो हम लोग जून में 16 जून से विद्यालय नहीं जाएंगे, और पहले दिन हम लोगों ने विद्यालय का बहिष्कार किया, हम लोग विद्यालय नहीं गए, तो उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि अरे आज यदि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक विद्यालय नहीं गया, उसी दिन वास्तव में अनुदेशक की अहमियत उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन को समझ में आया। ये अलग बात है कि ये हमारी समस्या का समाधान कर नहीं रहे हैं, और इन्होंने आनंद फानंद में 16 जून को बैक डेट में 15 जून के डेट में आदेश जारी कर दिया। जो आदेश 16 जून को टाइप हो रहा है, लिखा जा रहा है, उसको इन्होंने 15 जून के डेट में घोषित कर दिया। अब आप बताइए कि हमने तो महसूस कराया सरकार को कि आप हमारे बिना 15 दिन स्कूल को नहीं चला सकते हो, जिनको आप 70,000-80,000 देते हो, क्या उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक यदि 15 दिन विद्यालय न जाए तो उस विद्यालय को सुचारू ढंग से चला पाए? लेकिन आप, हम तो लगातार कहते रहे सर, 70,000-80,000 पाने वाले से कई गुना ज्यादा हम अनुदेशक कार्य करते हैं सर। हम यदि विद्यालय न जाए तो बच्चों की संख्या घट जाती है, बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हो जाती है। हम तो घर घर जाकर अभिभावक से संपर्क करते हैं, उनको अपने विद्यालय में नामांकन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो बच्चा विद्यालय नहीं आता है तो फिर हम अभिभावक से संपर्क करके उस बच्चे को विद्यालय लाने के लिए कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रही। अरे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक क्या मांग रहा है आपसे? स्थानांतरण मांग रहा है ना, अंतर जनपदीय स्थानांतरण मांग रहा है ना, उन महिला साथियों के लिए जिनकी शादी दूसरे जनपद में हो गई या दूसरे ब्लॉक में हो गई, आप उनका वहां स्थानांतरण करो ना। इसमें आपका कौन सा पैसा जा रहा है,
कोई पैसा नहीं जा रहा है और 100 बच्चों के कारण आप हमारी हमको नौकरी से निकाल देते हो। जब 100 से एक भी बच्चा कम होता है हमको नौकरी से निकाल देते हो, जबकि सर हमारे शासनादेश में प्रस्तर 6 में 6 क में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमारी सही विद्यालय में यदि संख्या 100 से कम होगी तो हमको निकाल दिया जाएगा। लेकिन शासन और प्रशासन के लोग मिलकर हमारे साथ शोषण करते हैं,